योगिक संस्कृति में हम भोजन को तीन वर्गों में बांटते हैं, पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है, जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के तीन कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहाँ अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? इस पर कई प्रयोग हुए हैं। अगर आप रोजाना एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही ये दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा, साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पियेंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा। घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार ये है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है। तो घी का महत्व ये है कि ये आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू ये है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको रात में नींद नहीं आती, सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी। कुलथी एक तरह की दाल है। ये इस धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है। इसे तमिल में कोल्लू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलुगु में उलू उलू कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे एक कटोरी में रखिए अपने कमरे में। एक सफेद कपड़ा लीजिए, इसे उसमें रख दीजिए। लगभग 6 से 8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद इसे एक कपड़े में बांध कर रख दीजिए। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्ची खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधी इंच बाहर आ गई है तो आप इसे कच्ची खा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, चबाकर खा जाइए। ये बहुत अच्छी है। अब ये शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। आपको मूंग खाकर इसे संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं। सभी चीजों में एक मूंगफली। मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से उत्साहित हूँ क्योंकि मेरे जीवन में एक दौर था जब मैंने सिर्फ मूंगफली और केले पर जीवन बिताया, बस इतना ही, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूंगफली, बस इतनी मूंगफली रात भर भिगोकर और एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था और पूरी तरह से सक्रिय, ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी ज्यादा सक्रिय। इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है।
अगर आप इसे 6 से 8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित्त निकल जाता है। आप पित्त जानते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयुर्वेद इसी पर आधारित है, उष्ण शीत और पित्त। इससे पित्त निकल जाता है। और इस भीगी हुई मूंगफली को अच्छी तरह चबा कर खाना। शहद उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली, जीवन शक्ति, इन सभी चीजों को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोजाना शहद के सेवन से। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, यह आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है, खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा। शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि लोग इसे बेक कर रहे हैं, इसे केक और दूसरी चीजों में पका रहे हैं, ये करने के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इसे पकाते हैं तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। आपको इसे हल्के गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तैयार करता है जो शहद में एक खास तरह का बर्ताव करता है, जिससे इसमें शरीर से वजन हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो ये एक अलग तरह से बर्ताव करता है और ये शरीर का वजन बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच शहद जो आप ले रहे हैं उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है। आपके सोखने की दर ऐसी हो जाती है कि आपका वजन बढ़ सकता है। यहाँ हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिया का मतलब है एक स्तर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है, ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है, आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी RBC की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा, अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर्जीवन प्रणाली बेहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही हैं, शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, मन में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं। तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा।